नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अंबाला में सिलेंडर से गैस चोरी करके ब्लैक में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सीआईडी अंबाला ने रेड करते हुए 35 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए। सीआईडी ने मौके से 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। सीआईडी को गुप्त सूचना मिली कि अंबाला सिटी में खन्ना पैलेस के निकट स्थित एक डेयरी में सिलेंडर से गैस चोरी करके ब्लैक में बेचा जा रहा है। आज विशेष टीमें गठित करके खाद्य आपूर्ति विभाग की इंस्पेक्टर बिरमा देवी व इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने मौके पर सिलेंडर की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि आरोपी भरे सिलेंडर में से 1.5 से 2 किलो गैस चोरी करते थे और खाली सिलेंडर को भरकर उसे ब्लैक में बेचते थे। टीम ने मौके से 35 सिलेंडर बरामद किए हैं। इनमें एक कमर्शियल समेत 34 HP भारत और इंडियन गैस के सिलेंडर शामिल थे। पिछले लंबे समय से चल रहा धंधा इंस्पेक्टर बिरला देवी ने बताया कि यहां धंधा पिछले लंबे समय से चल रहा है। 4 से 5 माह पहले भी विभाग ने यहाँ चार से पाँच पहले भी विभाग ने यहाँ रेड करके 45 सिलेंडर बरामद करते हुए विभागीय कार्रवाई की थी, लेकिन आरोपी फिर भी सक्रिय हो गए। टीम ने अंबाला के नया गांव निवासी राम प्रसाद, पंजाब के गांव दड़वा निवासी मलकीत सिंह तथा हीरा नगर अंबाला सिटी निवासी सुखचैन सिंह को पकड़ा है। आरोपियों को पुलिस चौकी नंबर 3 में सौंप दिया है। आपके सामने पड़े देख लो सर, जैसे कि भारत के इंडियन के एचपी के सब पड़े हैं यहाँ। इसके बारे में नहीं पता जी, मैं तो रेडी चलाता हेल्प फ्री करता हूँ। क्या दिक्कत? साथ कोई भी ले जाता है, धक्का धुक्का लगाना होता है, 300-400 रुपये मिल जाता है। अभी 34 सिलेंडर पकड़े गए हैं। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम सिलेंडर है, एक बंदा पकड़ेगा। इसके अलावा भी सिलेंडर मिले हैं, पर प्रूफ है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही मिला। उसकी एक बुक मिली है जिसमें वो रिफिल के काटते हैं। अब कोई मेन तो मिला नहीं बंदा, कब से मिला है? पीछे 5-6 महीने पहले भी हुआ था, अब और मिला है। पीछे विभागीय कार्रवाई बनती थी वो कर दी गई थी, आज FIR बनती है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।